नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमेंद्र आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम एनर्जी मेजर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की सीरीज़ में थर्मल सब्जेक्ट में ऐसे क्वेश्चन पर फोकस करेंगे जिसमें किसी फ्यूल के बर्निंग होने के लिए कितने ऑक्सीजन, कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या एयर की ज़रूरत होती है। हम ऐसे क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। जनरली ये क्वेश्चन एनर्जी मेजर एग्जाम में पूछा ही जाता है कि कोई फ्यूल है और उसको हमको बर्न करना है, कम्बशन करना है, तो उसमें कितने अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए या एयर चाहिए। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन। पैडी हस्क इज बीइंग यूज्ड एज ए कम्बशन फ्यूल इन वाटर ट्यूब बॉयलर। द अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ फ्यूल इज गिवन बिलो। कैलकुलेट थियोरेटिकल अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड पर 100 kg ऑफ हस्क फॉर द कम्बशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। एंड दिस डाटा आर फॉर मॉइस्चर 11.8%, मिनरल 17.7%, कार्बन 32.0%, हाइड्रोजन 5.0%, नाइट्रोजन 0.9%, सल्फर 0.1% एंड ऑक्सीजन 32.5%। ठीक है दोस्तों, तो हमको एक फ्यूल दिया हुआ है जिसमें ये सारे कंटेंट अवेलेबल हैं और उसको बर्न करने के लिए, मतलब कम्बशन होने के लिए उसको कितने अमाउंट ऑक्सीजन चाहिए वो हमको कैलकुलेट करना है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक टर्म आया है, अल्टीमेट एनालिसिस। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, किसी भी फ्यूल की एनालिसिस करने के लिए दो तरह के एनालिसिस यूज़ होते हैं, अल्टीमेट एनालिसिस और होता है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। ठीक है, तो अल्टीमेट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, अगर किसी फ्यूल को केमिकली, अगर हम केमिकली उस फ्यूल में जो कंटेंट होते हैं, केमिकली जो एलिमेंट होते हैं जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड सो ऑन, तो जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस कहलाता है अल्टीमेट एनालिसिस, यानी कि एक तरह से केमिकल एनालिसिस होती है। और अल्टीमेट एनालिसिस का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हमको ये देखना है कि उस फ्यूल को बर्न या कम्बशन होने के लिए कितने अमाउंट ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, दूसरा एनालिसिस होता है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस तब किया जाता है जब हमें किसी फ्यूल की हीटिंग वैल्यू को पता करना है। सपोज़ कि कोयला है और हमको उसका हीटिंग वैल्यू किलो जूल पर केजी में निकालना है क्या है, तो उसके लिए हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस मेथड अपनाएंगे। और प्रॉक्सिमेट एनालिसिस मेथड में हम जो है उसके जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे मॉइस्चर होता है, ऐश होता है, वॉलेटाइल मेटल होता है, फिक्स्ड कार्बन होता है, ये सब इन सब चीज़ों पर फोकस करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। और इन सब का एनालिसिस करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि उसको उसको उस फ्यूल को बर्न होने के लिए कितने बर्न होने पर कितना अमाउंट ऑफ हीट वो जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये होता है। तो हमको यहाँ पर अल्टीमेट एनालिसिस कहा गया, अल्टीमेट एनालिसिस जो है मेथड यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका मतलब सीधा सही है कि हमको जो है अमाउंट ऑफ एयर ही निकालना है। ठीक है, तो किसी फ्यूल का ये डेटा, ये एनालिसिस है जिसमें मॉइस्चर और ये बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सारे कंटेंट दिए हैं और ये कंटेंट कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है वो उसके परसेंटेज में दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कम्बशन का मतलब क्या होता है। कम्बशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो कोई भी एलिमेंट जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो उसका मतलब होता है कि वो कम्बशन हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम कम्बशन कहेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर ये जो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, इसमें मॉइस्चर तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, मिनरल भी नहीं करेगा, कार्बन करेगा रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन भी करेगा है ना, नाइट्रोजन तो नहीं करेगा, सल्फर जरूर करेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, एंड ऑक्सीजन तो खुद ही ऑक्सीजन है तो इसकी हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो मतलब हमें इस एनालिसिस में ऑक्सीजन के का अमाउंट निकालने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर, ये तीन एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें पता चल पाएगा कि कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो पहले कार्बन पर देखते हैं कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो कार्बन जो होता है सी होता है, सी प्लस ओ टू इक्वल टू सी ओ टू, सी ओ टू बनेगा। ठीक है, कार्बन का मॉलिकुलर वेट होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, यानी कि 16 दुनिया 32, ओ टू है तो, और ये टोटल सी ओ टू का मॉलिकुलर वेट हो जाएगा 44। तो अब हमको सॉल्व ऐसे करना है जैसे हम करते आए हैं मैथमेटिक्स में, कि अगर 12 kg ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड होता है ओ टू क्वान्टिटी, मतलब 12 किलोग्राम ऑक्सीजन कार्बन को ऑक्सीजन कितना चाहिए, 32 किलोग्राम चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं 12 और ये 32 है, तो
तो ये मोलर वेट है तो हम इसको केजी में ले सकते हैं, केजी ग्राम में, तो हमने यहाँ पे केजी में लिया है। तो 12 किलोग्राम ऑक्सीजन कार्बन कार्बन को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, 32 की जो 32 किलो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक में क्या हो जाएगा, 32 बटा 12 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन कितना दिया हुआ है, यहाँ पर कार्बन की अवेलेबिलिटी है 32%। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व करेंगे। थर्टी टू परसेंट ऑफ कार्बन, यहाँ पर हमने पहले 32/12 लिया हुआ था, इनटू 32%, यानी कि 32% है तो डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी इतना ऑक्सीजन, इतना यानी कि 32% कार्बन के लिए जो है 0.853 किलोग्राम ऑक्सीजन जो है चाहिए होगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम हाइड्रोजन को ले लेते हैं। हाइड्रोजन को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो H2+O2 पानी बनता है, H2O पता है ये केमिकली बैलेंस है, ये 2H2+O2 2H2O। ठीक है, तो अगर हम इसको जो है, अगर हम 2 को जो है डिवाइड करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 हट जाएगा, H2 बच जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने 2 को कॉमन लिया था, तो 1/2 यानी कि 0.5 O2 हो जाएगा, और ये 2 यहाँ से भी कॉमन यह लिया था तो H2 हो जाएगा, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये ऐसा एक केमिकल इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट हमको पता है, अगर यहाँ पर H2 है तो 2 हो गया, एंड O2 0.5 O2, तो यहाँ इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 16। ठीक है, O2 मतलब होता है, O2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32, 16 दूनी 32, 32 × 0.5 करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। ठीक है, और ये है H2O, H2O का टोटल मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा फिर 18 हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, 16+2=18। तो जैसे हमने कार्बन को कम्बशन, कार्बन के कम्बशन के लिए हमने ऑयल ऑक्सीजन क्वांटिटी निकाला था, वैसे ही हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं ये हाइड्रोजन की क्वांटिटी है 2, तो 2 किलोग्राम ऑक्सीजन, 2 किलोग्राम हाइड्रोजन को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए 16 किलोग्राम। ठीक है, यह है 16, ओके, ये ऑक्सीजन की ऑक्सीजन का अमाउंट है, तो 1 किलोग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 16/2, और वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 5% है। मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा यहाँ पर हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन पे, तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 5% दिया हुआ है, तो हमने वो 5% लिया है, 5% हाइड्रोजन के लिए हमको कितना ऑक्सीजन चाहिए वो निकालना है, तो ये हो जाएगा 16/2 × 5%, यानी कि 5/100। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0.4 kg ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं सल्फर पे। ठीक है, सल्फर पे आते हैं, तो सल्फर को जब हम ऑक्सीजन से सल्फर को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो SO2 बनेगा, सल्फर का एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट होता है 32, ऑक्सीजन का 32, एंड SO2 जब बनेगा तो उसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 64। तो सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे कि अगर 32 जो दिया हुआ है, 32 किलोग्राम सल्फर रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन क्वांटिटी कितनी है 32, ये दिया हुआ है O2 के नीचे, तो ये 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमको कितना दिया क्वेश्चन में, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सल्फर का जो क्वांटिटी दिया हुआ है 0.1% है, तो 0.1% के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, 0.1% ऑफ सल्फर इक्वल टू 32/32, ये आ जाएगा, इंटू 0.1/100 जो कि परसेंटेज है, तो इसका इक्वल हो जाए, इसको सॉल्व करने से इक्वल आ जाएगा 0.0001 kg। ठीक है, तो और ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया है कि हमको जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ ला देता हूँ, तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस क्वेश्चन में जो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जो जिनका रिएक्शन होगा वो एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन और वो सल्फर है, बाकी मॉइस्चर, मिनरल, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है इनके साथ तो ऑक्सीजन का रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जब हमारा ये तीनों आ गया, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर, जिसमें हमको ये हमने कैलकुलेशंस निकाल लिया है कि कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो इन तीनों वैल्यू को जोड़ देंगे, टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा A+B+C, ए मतलब कार्बन के लिए, बी यानी हाइड्रोजन के लिए, सी मतलब हो जाएगा सल्फर के लिए। तो अगर तीनों को हम जोड़ दें 0.853 और 0.4, 0.4, 0.853 जो कार्बन का है, एंड 0.001, 0.001 जो कि सल्फर का है, तो तीनों को जोड़ने पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1.254 kg। ओके,
अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेट ऑक्सीजन अमाउंट क्या हो जाएगा, 1.254 जो हमारा टोटल वैल्यू आया वो माइनस 0.325। अब ये जो 0.325 है ये कहाँ से आया, तो मैं आपको फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का अमाउंट है 32.5%। तो 32.5 डिवाइड बाई अगर मैं 100 करूँ तो इसकी जो वैल्यू मुझे मिलेगी 0.325 हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन को इसलिए यहाँ पर मुझे माइनस करना पड़ रहा है क्योंकि ये एक एक्सेस ऑक्सीजन है। ठीक है, और हमको जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको फ्यूल के कंबशन के लिए कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए वो निकालना है, जो कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो। तो ये एक्सेस ऑक्सीजन का वैल्यू है, इसे हम माइनस कर देंगे तो हमारा नेट ऑक्सीजन अमाउंट आ जाएगा 1.254 माइनस 0.325 इक्वल टू 0.93 kg। तो अब क्वेश्चन में फिर से आऊँगा मैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100 kg ऑफ हस्क, मतलब 100 आपका जो फ्यूल है वो एक पैडी हस्क है और जिसका टोटल क्वांटिटी है 100 kg। तो 100 kg पैडी हस्क जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ पैडी हस्क कितना है, 100 kg है। तो ये जो वैल्यू थी वो तो पर केजी के लिए थी, जो अल्टीमेट एनालिसिस होता है फ्यूल का वो पर केजी के हिसाब से होता है, पर केजी ऑफ फ्यूल के हिसाब से होता है। ठीक है, तो अभी हमारा टोटल अमाउंट कितना है फ्यूल का, पैडी हस्क का 100 kg है। तो ये पर केजी था ये फ्यूल एनालिसिस, तो 0.93 kg इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये टोटल जो है आपको ऑक्सीजन की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 93 kg होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर सपोज पैडी हस्क 200 होता तो यहाँ पे हम 200 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपको टोटल जो है ऑक्सीजन की वैल्यू जो है इससे मिल जाएगी। बट एक्चुअली में क्वेश्चन में पूछा गया है वो देख लेते हैं। एक्चुअली में क्वेश्चन में ये पूछा गया है थियोरिटिकल अमाउंट ऑफ एयर। ठीक है, थियोरिटिकल अमाउंट ऑफ एयर पूछा गया है। तो हमने तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू निकाल ली, थियोरिटिकल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, बट एक्चुअल में निकालना क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ एयर निकालनी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और एयर का क्या रिलेशन है, हमको पता है कि 100 kg ऑफ एयर कंटेंस 23 kg ऑफ O2, यानी कि जो यानी कि 100 kg ऑफ एयर में, मतलब 100 किलोग्राम के एयर में 23 किलोग्राम ऑक्सीजन होता है बाई वेट, ये हमको पता है 23% ऑक्सीजन रहता है, ये हमको पता है। ठीक है, तो जब 23 kg ऑक्सीजन जब रहेगा तो टोटल एयर का अमाउंट होगा 100 kg। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो हमारा वैल्यू आया है वो 93 kg आया है, तो 93 kg के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा, तो 100 डिवाइड बाई 23 इंटू 93। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 404.35 kg आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो वैल्यू होगा वो टोटल एयर का होगा। यानी कि अगर आपको इसमें दो स्टेप हैं, पहले स्टेप में मैंने ये बताया कि अगर आपको ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि ऑक्सीजन कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा फ्यूल के कम्बशन होने के लिए, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं और आप बता सकते हैं 93 kg। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल अमाउंट ऑफ एयर कितना चाहिए होगा उस ऑक्सीजन के लिए, मतलब उस फ्यूल के बंद होने पर टोटल। तो आप जो है इस तरह से सॉल्व करके जो है टोटल अमाउंट ऑफ एयर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, एंड मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत जल्दी अपलोड करूँगा, आप मेरे वीडियो का इंतज़ार करते रहिए। थैंक यू।